अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी फ्राइड चिकन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 10 पीस चिकन के लेकर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, एक टेबल स्पून सिरका और 1.5 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो 2 घंटे या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चिकन मैरिनेट हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया हुआ है 1.5 कप मैदा। और अब मैं इसमें 1 चिकन का पीस लेकर उसको अच्छे से कोट कर दूंगी। ये देखें, जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और पीस भी कोट करके दिखा रही हूँ। सारे पीसेस को कोट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बॉल में ठंडा पानी। पानी को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और अब मैं इसमें चिकन को डिप करूँगी। डिप करने के बाद मैं इस पीस को वापस मैदे में डाल के कोट करूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैं बस 2 ही कोट्स कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 या 4 कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे पीसेस कोट करके रेडी कर दिए हैं, तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करते वक्त आप तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, वरना फिर इसकी कोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तेल आपने इतना लेना है कि एक पीस जो है वो उसमें पूरा डूब जाए। और एक टाइम पे एक पीस डालें, उसके बाद उसको थोड़ी देर फ्राई करें। और जब थोड़ी देर फ्राई कर लें तो उसके बाद दूसरा पीस डालिएगा। और अब यहाँ पे देखिए, मैं इनको भी ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ और इसमें चमचा चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 5-10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर चिकन अच्छे से गल जाए और कोटिंग का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं। तेल कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा गर्म ना हो और इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और जब आप सेकंड पेज फ्राई करने लगें तो फ्राई करने से पहले जो फर्स्ट पेज के क्रम्स हैं वो आप निकाल लीजिएगा ऑयल से प्लीज़, वरना फिर वो उसमें काले होकर चिपक जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और यहाँ पे मैं सेकंड पेज फ्राई कर रही हूँ, इनको भी देखें, मैं पहले थोड़ी देर एक पीस को रख रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कितनी अच्छी सी लेयर्स आ गई हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके दूसरा पीस भी ऐसे ही फ्राई करूँगी। और ये देखिए हो गया है, तो अब बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।